ग्राम पंचायत के मॉनिटरिंग कार्य। गांव के विकास के लिए पंचायतों को कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कृषि संबंधी कार्य, सामाजिक विकास के कार्य, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, युवा कल्याण संबंधी कार्य, नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य आदि। इन सभी कार्यों को करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पंचायतों को पहले ही ये तय करना पड़ता है कि कौन सा काम कब, कहां, कैसे, क्यों, किसे, किसके लिए करना है। आसान भाषा में कहें तो पंचायतों को समय समय पर विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि किसी भी अन्य संस्था, संगठन या समूह की तरह पंचायतों को भी हर स्तर पर प्रभावी योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। योजना बनाने के कई लाभ हैं, जैसे योजना पंचायतों को बेहतर दिशा प्रदान करती है, योजना से संसाधनों का उचित उपयोग होता है, योजना से स्थानीय परेशानियां दूर होती हैं, योजना पंचायत बजट को बनाने में सहायक है, योजना सामाजिक और आर्थिक समानता लाती है, बेहतर योजना से पंचायत स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। हालांकि सही योजना बना देने भर से पंचायतों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए योजना बनाने के साथ साथ योजना के तहत कार्यों की मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी भी जरूरी है। सही निगरानी से ही गड़बड़ियों की पहचान, कार्यों का सही रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस पर निगरानी, संसाधनों का उचित उपयोग, पैसों की बचत, भ्रष्टाचार में कमी और पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन निगरानी का काम इतना आसान नहीं है। मॉनिटरिंग के तहत ये सत्यापित किया जाता है कि क्या अपनाई गई योजनाओं, जारी किए गए निर्देशों और स्थापित सिद्धांतों का पालन किया गया अथवा नहीं। इसलिए इस कार्य को पंचायतें व्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग साइकिल के तहत करती हैं। मॉनिटरिंग साइकिल में निगरानी की योजना बनाना, मुद्दों की पहचान करना, मुद्दों की सूची बनाना, डेटा कलेक्शन करना, परिणामों की जांच करना, जांच पर प्रतिक्रिया देना और परिणाम का संचार करना आदि शामिल हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। निगरानी की योजना बनाना। पंचायतें जो भी कार्य करती हैं उसकी निगरानी की योजना बनाती हैं। पंचायतों के पास बहुत से कार्य होते हैं, इसके लिए वो कई तरह की योजनाएं भी बनाती हैं। कार्य योजना के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, इस बात को जानने के लिए निगरानी और नियंत्रण की जरूरत होती है। मुद्दों की पहचान करना। निगरानी और नियंत्रण के लिए जरूरी है कि सबसे पहले जरूरी मुद्दों की पहचान की जाए। हर पंचायत की प्राथमिकता स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। मुद्दों की सूची बनाना। मुद्दों की पहचान के बाद उसकी सूची बनाएं और ये तय करें कि सबसे अधिक गड़बड़ कहाँ है, किन क्षेत्रों में कार्य योजना के अनुसार नहीं हो रहे हैं या किसी क्षेत्र में घपले की आशंका है। डेटा कलेक्शन।
किसी भी तरह की कमी, गड़बड़ी या घपले की आशंका होने पर तुरंत सक्रिय हो जाएं और डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दें। इस योजना और कार्य से जुड़े एक एक दस्तावेज की जांच करें। गहराई से जांच के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही तरह के डेटा को एकत्र करें। परिणामों की जांच। डेटा कलेक्शन के बाद जो भी परिणाम आए हैं उसकी जांच अपने स्तर पर करें। किसी भी तरह के निर्णय से पहले एक एक बात को क्रॉस चेक करना आवश्यक है। जांच पर प्रतिक्रिया। जांच पर प्रतिक्रिया से मतलब निर्णय लेने से है। कार्य में किसी भी तरह की कमी, गड़बड़ी या घपला होने पर तुरंत उचित निर्णय लें। पंचायत प्रतिनिधि अगर चाहें तो संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कठोर निर्णय ले सकते हैं। परिणामों का संचार। आपने जो भी फैसला लिया है उसका संचार करना जरूरी है। अपने फैसले को सार्वजनिक करने के लिए पब्लिक नोटिस, मीडिया या अन्य जनसंचार माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। अगर बात इंटर डिपार्टमेंट है तो नियम अनुसार संचार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अच्छी मॉनिटरिंग से ही पंचायतों के सारे विकास कार्य सरलता से हो सकते हैं और स्थानीय स्तर पर तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।